नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। संविधान संशोधन के लिए 4 बुंदे प्रस्ताव तैयार भेल, प्रधानमंत्री के बाद गलत हल्ला मात्रे रहल, प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप, 7 प्रदेश मान्य नहीं हैत। हिंदी के राष्ट्रीय भाषा बनाब लागल बात हल्ला मात्रे रहल, प्रधान गृह मंत्री निधि के कहब, संविधान संशोधन के मुद्दा फाड़ वाला सब लाइक पड़ल जिकिर। विश्व शौचालय दिवस, जकरा अपने सरपी नहीं है वो सब नाराबाजी कर रहल। थारुहार थारुहान संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन की घोषणा, अगहन महीना धरि के आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक। आ मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल में नेपाल द्वारा फ्रेंड्स ऑफ जापान पराजित, नवयुग श्रेष्ठ गोल निर्णायक बनल। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान संशोधन के लिए 4 बुंदे प्रस्ताव तैयार भेल कहत, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अनावश्यक हल्ला चलाने आरोप लगौलन। सेंडिन रिपोर्टर्स क्लब के नई कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव, प्रधानमंत्री दाहाल मधेसी मोर्चा संग बिना छलफले क के 4 बुंदे संशोधन प्रस्ताव तैयार केने कहत, मीडियाबाजी केने टिप्पणी करत, वो आंदोलनरत पक्ष उठौने मांग संबोधन कर, उकरा सब संग सहमति बिना के नहीं संशोधन के प्रस्ताव मात्र दर्ता करा कर समस्या के समाधान नहीं है दावी करत। अध्यक्ष यादव 7 प्रदेश से देश के समस्या समाधान कर नहीं सकत, ताहि लेल राज्य पुनर्संरचना आयोग देने प्रतिवेदन अनुसार केंद्र आ प्रदेश में स्रोत साधन के बांट फाट कर सका पुनर्संरचना कर पड़त बतौलन। मुस्लिम लगायत का सीमा के समुदाय मुद्दा संबोधन करने, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता लगायत का विषय संशोधन द्वारा परिवर्तन करें, इसलिए उपयुक्त बनाने, परिमार्जित करने भनेर नहीं यो सरकार को जन्म नहीं भएको। यो सरकार को जन्म संविधान संशोधन कर मुद्दा संबोधन करना का लागि भएको। तर यसो अहिले तीन दल का नेता कुरा सुंदा कहीं कई मीडिया हेर्दा के देखिन्छ भने अहिलेको मुद्दा भनेको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने मुद्दा, यसरी दर्ता गराउनेका लागि यत्रो लडाई भएको होइन। दर्ता त प्रक्रिया मात्रै हो, संशोधन गराउनका लागि संसदमा दर्ता गराउने प्रक्रिया मात्रै हो। दर्ता गराउनका लागि त्यत्रो आन्दोलन भएको होइन, त्यो आन्दोलन यो संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधानलाई अन्त्य गरी र स्वीकार योग्य बनाउनका लागि नै भएको। साक्षात्कार में यादव वर्तमान सरकार गठन होबस आगू संविधान संशोधन क के मधेसी जनजाति आदिवासी लगायत सीमांतकृत समुदाय के मुद्दा संबोधन कर के आ निर्वाचन करा कर देश के आर्थिक समृद्धि दिस ल जाए के सहमति भेल बतौलन। वो सरकार गठन होबस आगू कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र मधेसी मोर्चा संग के सहमति विपरीत संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता मात्र कराब के खेल भ रहा टिप्पणी करा था। फर्मल रूप में हम प्रस्तुत प्रधानमंत्री पहिला यो तरिकैमा गलत हो। आन्दोलन पक्षहरूसँग संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति नगरिकन या गठबन्धनसँग सहमति नगरिकन एकलौटी ढङ्गले जबरजस्ती दर्ता गर्ने अनि त्यो दर्ता भएको प्रस्तावले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भयो भने त्यो कुनै अर्थ हुँदैन। अध्यक्ष यादव प्रमुख तीन दल संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में दर्ता करते समस्या के समाधान हात कहत गलत प्रसार के आरोप लगौलन। वो मधेसी जनजाति आ सीमांतकृत समुदाय के मांग पैकेज में संबोधन कर मांग कल। प्रमुख दल मधेसी आदिवासी जनजाति आ सीमांतकृत समुदाय बीच दूरी आने के षड्यंत्र के अध्यक्ष यादव के आरोप छलन। माओवादी केन्द्रक नेता वर्षमान पुन अगहन के पहिल सप्ताह भीतर संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हात बतौलन। एमाले सहित तीन दल बीच अधिकतम सहमति करेत संविधान संशोधन के प्रस्ताव लजा के नेता पुन बताने छत। विराटनगर विमानस्थल में काल संचारकर्मी संघक बातचीत क्रम में नेता पुन संविधान संशोधन के लिए अगहन के 6 या 7 गते मुख्य तीन दल एमाले, नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र बीच छलफल भक सहमति है दावी करत। संविधान कार्यान्वयन के लिए स्थानीय सलक प्रादेशिक आ केन्द्रीय निर्वाचन कराब के दल सबके अखन के मुख्य जिम्मेवारी रहला से मुख्य तीन दल सब बीच सहमति सहकार्य के विकल्प नहीं रहल पुन के कहब छलन। नेता पुन प्रदेश के संख्या, सीमांकन, नागरिकता के विषय के केन्द्र में राख संविधान के संशोधन के तैयारी भ रहा जानकारी देलन।
उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री भीमेन्द्र निधि लागू औषध के दुर्व्यसनी में युवा पुस्ता फंसे जा रहा सह नियंत्रण में चुनौती से बढ़े जा रहा बतौल सिंधी नेपाल औषधि व्यवसायी संघ केन्द्रीय साधारण सभा के काठमांडू में संबोधन करे गृहमंत्री निधि युवा पुस्ता के लागू औषध के कुलत से बचाव युवा के सक्रिय बनाव पड़त आवश्यकता रहा बतौने मुदा बेसी युवा विदेश पलायन आ बाकी कुलत में फंसे तला से जोखिम में रहा से लागू औषध के दुर्व्यसनी के नियंत्रण कर कठिन बनत जा रहा बतौलन एहन अवस्था में औषधि व्यवसायी सबके भूमिका महत्वपूर्ण हाथ बतौलन दवाई जन्य लागू औषध के स्रोत दवाई व्यवसायी सब रहा से युवा सबके जोखिम से बचाव भूमिका निभाव पड़त आग्रह कल बनाउने कतै योजना सरकारको छैन हाम्रो पनि छैन कसै पनि छैन यो भ्रम फैलाइएको छ त्यस भ्रमको बारेमा तपाईँहरू सचेत रहनु होला र आफ्नो ठाउँमा फर्केर जाँदाखेरि यो झुटो कुरा भए यसको पछि नलाग्यो भनिदिनु होला कार्यक्रम में ओ लागू औषध नियंत्रण के लिए कानून कार्यान्वयन में सरकार दवाई व्यवसायी सब संग सहकार्य ज्ञात से बतौलन कार्यक्रम में बजट एक फरक प्रसंग में मंत्री निधि सरकार हिंदी भाषा के राष्ट्रीय भाषा बनाव लागल कहते अनावश्यक हल्ला मात्र चलाकर संविधान संशोधन के मुद्दा के भारत के षड्यंत्र भ रहा बतौलन नेपालको युवा पुस्ता लागू औषधिले हामीलाई ग्रस्त भएका छन् हाम्रो जानकारी तथ्याङ्क म यहाँ राख्न चाहन्न तर सरकारी तथ्याङ्क र गैर सरकारी तथ्याङ्कले हेर्दा युवा पुस्ताहरू खास गरेर लागू औषधिको व्यसनमा धेरै ग्रस्त भएको पाइन्छ र त्यो तपाईँ हाम्रै सन्तानहरू हुन् तपाईँ हाम्रै पुस्ता अगाडि पुस्ता हो र यसरी लागू औषधिको बानी ले गर्दाखेरि नेपालको भावी पुस्तालाई गएको त्यो केही नगरिकन हेरिरह्यो भनेदेखि बिग्रियो भनेदेखि त्यसले हाम्रो नेपालको भविष्य र समाज बिग्रिने खतरा अत्यन्त चर्को छ त्यस कारण यस क्षेत्रमा कसरी नियन्त्रण गर्ने हो त्यो तपाईँहरूको साइडबाट पनि यसमा तदनुक्ता हुनुपर्छ औषधि व्यवसाय विभिन्न मीडिया में आयल जका हिंदी भाषा के राष्ट्रीय भाषा बनाब के सरकार के कोनो योजना नै रहल आ जनता में भ्रम बाँट चाहने बतौलन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधान संशोधन के हल्ला प्रायोजित रूप में चलाओल गेल आरोप लगौलन गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरवा में शनि दिन संचारकर्मी सब संग बातचीत करते अध्यक्ष ओली संविधान कार्यान्वयन के समय संशोधन के बात उठा कर षड्यंत्र कैल गेल बतौलन संविधान संशोधन के औचित्य से पुष्टिकरण नहीं सकनाए आ संशोधन के सवाल में विभिन्न हल्ला चलेना से प्रायोजित बात के पुष्टि केने बतौलन को आवश्यकता हो ये बेला कार्यान्वयन को सन्दर्भ में कुछ कुरा कहीं व्यवधान पर्यो भने संशोधन भन्नु एउटा कुरा हुन्छ तर कार्यान्वयन होइन संशोधन को कुरा गर्नु कार्यान्वयन को चर्चा नगर्नु संशोधन उछाल्नु तर कार्यान्वयन गर्ने हो भने संशोधन चाहियो भन्नु संशोधन बिना कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भन्नु कहाँनेरि के कारणले कुन मुद्दामा कुन धारामा कहाँ संशोधन बिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने व्यवधान के पर्यो त्यो भन्न नसक्नु अथवा त्यस्तो नहुनु जस्तो एउटा प्रायोजित अवस्था छ संशोधन सम्बन्धी हल्ला चर्चा उद्देश्य र प्रयास अध्यक्ष ओली पाँच नम्बर प्रदेश के तराई से जबरजस्ती अलग कर के माग राख कर संविधान कार्यान्वयन में बाधा पहुँचाब चाहने टिप्पणी कल वो पाँच नम्बर प्रदेश में रहल तराई मधेश आ पहाड़ के जिला सबके फुटाब किछु दल लाग पड़ल आरोप से लगल अध्यक्ष ओली मधेश आ पहाड़ के जिला मिलाकर बनल प्रदेश के जिला की कारण से छुट्याब पड़त से जनता के स्पष्ट जवाब देव आग्रह कल कतिपय पक्षहरू यसले मैले सोध्नै गरेको छु यो माग कसको पहिलो कुरा यो माग किन दोस्रो कुरा यसबाट के प्राप्त हुन्छ तेस्रो कुरा यी कुराहरूको जवाब बिना यसको समर्थन कसरी गर्ने अध्यक्ष ओली एमाले के पाँच नम्बर प्रदेश केने कार्यक्रम के सम्बोधन गर भैरवा पहुँचल छ पूर्व सांसद सब प्रमुख तीन दल के नेता सब संविधान संशोधन के विषय में जनता के धारणा बुझे के प्रयास नहीं कला से अखन के अवस्था आयल आरोप लगल
सही दिन मंच के अंतक्रिया में सहभागी सब प्रमुख तीन दल के नेता के तस्वीज के आधार में होबे वाला संविधान संशोधन से समस्या समाधान नहीं हाथ बतौल अखन देखल गया असंतुष्टि सबके दलगत निर्णय से समाधान नहीं हाथ सेहो बताने आई कार्यक्रम में पूर्व सांसद मंचक अध्यक्ष ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ तीन दल अपन मात्र निर्णय में संविधान संशोधन कर चाहना गलत रहल बतौलन अध्यक्ष श्रेष्ठ संविधान संशोधन के विषय में आम नागरिक के धारणा बिना बुझना ही निर्णय लेब चाहना गलत रहल टिप्पणी कल कुनै किसिमको महत्व दिइरहेको छैन जनताको पीडा किन खोजिरहेको छैन कि जहिले पनि तिनवटा पार्टी र चारवटा पार्टी र तिनवटा पार्टी र चारवटा पार्टीमा पनि त्यसका वरिष्ठ नेताहरूको निर्णय र सहमति नमाथि यी कुराहरू भइरहेका छन् त्यसमा जनताको धारणा के हुनुपर्छ के छ कार्यक्रम में पूर्व मंत्री लालबाबू पंडित संविधान कार्यान्वयन के बदला संशोधन दिश लगनाई मातृभूमि प्रति गद्दारी हाथ बतौलन ओ विदेशी के इशारा में संविधान कार्यान्वयन के बदला संशोधन के मुद्दा मात्र आगू रखनाई देश प्रति के गद्दारी साबित है टिप्पणी कल पूर्व मंत्री पंडित विगत में मधेश में विभेद रहित नया संविधान कार्यान्वयन के चरण में समस्या के समाधान हाथ तर्क दिल संसारको संविधान अधिवक्ताजीहरूले पढे जस्तै सबै सांसदले पढ्नुहुन्न पढ्नुहुन्न विज्ञहरूको सहयोगले नै भन्नु राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले भन्नुभयो भने उहाँहरूले पनि सबै पढ्नुहुन्न उहाँहरूले पनि सहयोगै लिनुहुन्छ त्यस कारण म अहिले पनि म प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु कि कार्यान्वयनको पाइला चाल्नुभन्दा अगाडि संशोधनको बाटोमा मात्रै जानुभयो भने चिटकट्टो बोकेर आउनुभयो र चिटकट्टो बोकेर जानुभयो भने तपाईँले मातृभूमिप्रति गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ चाहे देशको प्रधानमन्त्री हो चाहे कुनै पार्टीको अध्यक्ष वा सभापति किन नहुन् मैले बारम्बार भन्ने गरे छु एउटा रोग लागेको छ नेपालमा पार्टीको महाधिवेशन भयो भने महाधिवेशनबाट नेता पनि बनाइदिनु पर्छ विदेशी परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ एकैटा चाहेता वर्ग के शासक के मानसिकता के कारण विभेद कायमी रहल बतौलन ओ संविधान के परिकल्पना अनुसार सब जायत वर्ग आ समुदाय के अधिकार सम्पन्न बनौलक तखन मात्र संविधान कानून हाथ धारण रखलथ चर्पी दिवस मनाब के क्रम में दोसर के चर्पी बनाब आ सफाई कर सिखाब वाला जिला भर के गाविस आ नगरपालिका सब में विभिन्न शीर्षक में बजेट बांट वाला सरकारी कार्यालय के शौचालय सब के अवस्था दयनीय रहल एक रिपोर्ट शनि दिन भोरे से जानकी मंदिर प्रांगण में सरकारी कार्यालय के प्रमुख आ कर्मचारी सब के भीड़ भाड़ छल प्रसंग छल विश्व शौचालय दिवस आ वही के उपलक्ष्य में आयोजना कैल जाए वाला प्रभात फेरी अधिकांश सरकारी कार्यालय के प्रमुख आ कर्मचारी लोकन जनकपुरवासी सब के शौचालय बनाओ प्रयोग करू आ सफा सुधर राखू जनचेतना जगाबक लेल प्ले कार्ड बोक के प्रभात फेरी के लेल तैयार भ गेल छल मुदा हमरा सबक प्रश्न छल जे दोसर के शौचालय बनाब आ सफा सुधर राख के लेल सिखाब वाला सरकारी कार्यालय सब में अपने शौचालय अछि यदि अछि त ओकर अवस्था केहन अछि ओ सब प्रभात फेरी कर रहल समय हम सब ओहि सरकारी कार्यालय सब में रहल शौचालय के अवस्था बुझ कार्यालय दिस पहुँचलहुँ आ हमरा सबके भेटल शौचालय सबके एहन अवस्था जिला भर के गाविस नगरपालिका सब में विभिन्न शीर्षक में बजेट बाँड वाला सरकारी कार्यालय के शौचालय सब के दुरावस्था एहन छल एकटा सर्वसाधारण रुपया के अभाव में शौचालय के अवस्था नहीं निक अछि कहिके बहाना बनौला पर कनिक शोभनीय बात हैत मुदा जतः दैनिक लाखों लाख रुपया राजस्व संकलन होइत अछि ओहि कार्यालय के शौचालय के अवस्था समेत एहन अछि ओतबे नहि दैनिक अत्यधिक राजस्व संकलन करय वाला जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालय में तऽ शौचालय नहि अछि ई यातायात ऑफिस जे छै से राजस्व संकलन के मेन स्रोत भेलै लेकिन एहिमे आइ चर्पी दिवस भेला के बावजूदो भी हाकिम सबके संबंधित कर्मचारी सबके कोई जे छै से पहल न है
सर सफाई में न लेडीज के लेल न पुरुष के लेल टॉयलेट के व्यवस्था है। वही कार्यालय में पुरुष सब पेशाब करब वाला बाहेक कोनो शौचालय नहीं है, जबकि ओतः महिला आ पुरुष का दैनिक 2000 गोटे सेवाग्राही सब दैनिक अबैत छथि। एहि संबंध में जिला भर में बजट आ कार्यक्रम बांटे वाला जिला विकास समिति के स्थानीय विकास अधिकारी सनत बहादुर सोनार के पहुँचला पर ओ कहे छथि जे जब तक हम अहाँ सब मानसिक रूप में सफा नहीं है ताबत धरि सर सफाई पूर्ण हो नहीं सकत। मैले पहिला नै यो कुरा भनिसके, जिल्ला गाविस अनि कुनै पनि सरकारी कार्यालय, त्यो सबै सरकारी कार्यालय अब त्यो सफा छैन, त्यही त मानसिक रूपमै हामी सफा छैन। टोयलेट मात्रै सफा होइन, हामी बाहिर पान खाएर आएर जिविसको अथवा कार्यालयको त्यो चाहिँ एउटा घरको कुनामा त्यहाँ चाहिँ थुक्छौँ, हामी पान खाएर बाहिरबाट आउँछौँ, त्यहाँ थुक्छौँ, ठाउँ पनि भित्र आएर थुक्छौँ। यस्तो किसिमको हाम्रो मानसिक अपन कार्यालय आ शौचालय के सफा आ व्यवस्थित नहीं कर धेर प्ले कार्ड सहित सर्वसाधारण के शौचालय प्रयोग कर आ सफा राख वाला बात सिखाब के बाद नैतिकता के आधार में सरकारी कर्मचारी सबके नहीं सुहा रहल जनकपुर के सामाजिक अगुवा अमरचंद अनिल के कहब। एगो कहावत है कि पहले घर में दिया बार के तब मंदिर में दिया बारल जाए, तो हम तो देखे प्रायः कार्यालय के जहाँ मैंने सेवाग्राही के भीड़ रहै छै, यातायात कार्यालय हो या मालपोत कार्यालय हो या CDO ऑफिस हो, ओहिठा अहाँ के या SP ऑफिस हो अहाँ अदालत हो जाके देखियो ना, व्यवस्थित शौचालय अपने के नहीं भेटत। शौचालय के मतलब एम्हर शौचालय आ सर सफाई के क्षेत्र में काम करे वाला धनुषा खाने पानी तथा सर सफाई डिविजन कार्यालय जनकपुर के प्रमुख दशई मंडल अपना सब समक्ष जनकपुर के कोनो सरकारी कार्यालय एखन धरि हमरा सब लग शौचालय नहीं अछि कहिके प्रस्ताव नहीं रखने बतबैत यातायात व्यवस्था कार्यालय कहत त स्वयं सब शौचालय बना देबाक समेत बतौलनि। कमजोरी है ओकर के वास्तव में कार्यालय पूर्ण होकर बहुत बड़ा कमजोरी है, अपना ऑफिस में टॉयलेट नहीं होना है, हेबो करे होगा जैसे दुर्दशा, जैसे दुर्दशा के अवस्था में रहना है, तो बहुत गलत बात है वास्तव में। लेकिन ठीक है, यातायात के हाकिम साहब से भेट के बात करबे, नहीं हो तो अपना आय स्रोत न है तो हम सब बना दे सर सफाई निवासी तो हम सब चलते बढ़िया बना दे। सन 2001 से विश्व शौचालय संगठन 19 नवंबर के दिन विश्व चर्बी दिवस के रूप में मनाब लागल है। अब वर्ष के नारा शौचालय आ काम राखल गेल है। नेपाल में शौचालय नहीं भेला के कारण वा शौचालय में सुरक्षित रूप में दिशा पिशाब नहीं करे के बानी भेले के कारण सरसफाई जन्य रोग से प्रतिवर्ष 5 वर्ष नीचा के 10,500 बाल बालिका सबके मृत्यु भ रहा तथ्यांक है। विश्व में 2.6 बिलियन आदमी सब एखन समेत खुला ठाव में दिशा पिशाब करित है। घर में शौचालय नहीं भेला के कारण खुला ठाव में दिशा पिशाब कर गेला पर नेपाल में प्रत्येक वर्ष 6 दर्जन से बेसी बाल बालिका जंगली जानवर आ जीव सबके आक्रमण में मारल जाते हैं। विश्व शौचालय संगठन के अनुसार एखन समेत विश्व के 40% आदमी खुला ठाव में अर्थात असुरक्षित रूप में दिशा पिशाब करते हैं। नेपाल में सन 1980 में 2% नेपाली के शौचालय में पहुँच छल आ इहो बात शहर में मात्र केन्द्रित छल। तेकरा बाद के दिन सब में शौचालय निर्माण के लेल अनुदान देव के काज शुरू भेल। एहि क्रम में शौचालय निर्माण के दर गुणात्मक रूप में वृद्धि होबय नहीं सकल। शौचालय निर्माण होब के क्रम एक दिस एकदमे धीमी गति से अगाड़ी बढ़ल तो दोसर दिस शौचालय प्रयोग कर के लिए निभ अनुदान लेब के लिए आ देय खाब के लिए मात्र बनाल जा रहा है। दिगो विकास के लक्ष्य 2015 में सन 2030 भीतर विश्व के हरेक स्थान में हरेक आदमी में शौचालय के पहुँच पहुँचाब के लक्ष्य लेल गेल। विश्व में 10 गोटे मध्य 1 गोटे एखन समेत शौचालय में शौच करे के विकल्प नहीं पाने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सन 2015 के सर्वेक्षण देखबैत अछि। पछिलका समय जिला जिला में खुला दिशा मुक्त अभियान संचालन भ रहल अछि। एखन धरि नेपाल में 38 जिला खुला दिशा मुक्त घोषणा भ चुकल अछि। जनकपुर के मास बाजार स्थित एक चूरा मिल में बीतलायत आग लागल अछि। मास बाजार स्थित विजय चूरा मिल में बीतलायत करीब 9:30 बजे के समय में आग लगी भेला से लाखों के क्षति भेल अछि। बिजली शॉर्ट भ कऽ लागल आग लाग के कारण से मिल के पाछू के भाग में रहल सर सामान आ घर जरि कऽ पूर्ण रूप में नष्ट भेल अछि। आइ के जनकपुर उपनगर पालिका के पारू नियंत्रक स्थानीय वासी आ प्रहरी नियंत्रण में लेने छल। थरुवट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन के घोषणा कैलक अछि। समिति
काल विज्ञप्ति निकाल के अघन 10 गते से 30 गते धर के आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक कलक 21 दिन का आंदोलन में सत्याग्रह एवं भद्र अवज्ञा कल जात जाए अनुसार अघन 10 17 24 गते ललितपुर स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय आगू कारीपट्टी बैंक मेनबत्ती या प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन कल जात तैनाक थरवर थारुआन जिला समय प्रशासन कार्यालय आगू से प्रदर्शन कल जात तैनाक थारू सम्बद्ध संघ संस्था सब सरकार के कोनो प्रतिनिधि के अपन कार्यक्रम में सहभागी नहीं कराब के विज्ञप्ति मूल्य कही के संगे सरकार कर वाला कार्यक्रम से बहिष्कार आ भद्र अवज्ञा करत से समिति जनौलक थरवर थारुआन के समस्या प्रति सरकार उदासीन रहला से आंदोलन कर पड़ल समिति के संयोजक धनीराम चौधरी बताने समिति सीमांकन पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित 13 बूंदे माग रखत संघर्ष करते आये मधेश के विभिन्न क्षेत्र में महावीर झंडा मेला लगते गाम घर में समूह बनाकर झंडा मेला के आयोजना से कल जाते कोनो महीना आ समय सीमा बिना तोकने झंडा मेला के शुरुआत 300 वर्ष आगू मुगल सम्राट के पाला में शुरू भेल बताल जाते एक रिपोर्ट आलमगीर नाम से चिन्हल जाए वाला तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेबक समय से झंडा मेला के शुरुआत भेल विश्वास है। वही समय में महावीर झंडा मेला हिंदू सबक बीच एकता कायम करवाक उद्देश्य से लगाव लागल बताल जाते है। मुगल सम्राट औरंगजेब भारत में 1658 से 1707 धरि शासन कयने छल। औरंगजेब अपन पूरे साम्राज्य में शरियत कानून लागू कयने छल। एकर संगे हिंदू सबके विभिन्न किस्म से दुख देवा काम सेहो कयल गेल छल। एना क दुख देवा काम बढ़ला के बाद हिंदू सब एकताबद्ध होब आ सद्भाव कायम राख हनुमान जी के प्रतीक महावीर झंडा के शुरुआत कयने रहल विश्वास अछि। ई महावीर झंडा हनुमान जी के प्रतीक मानल जाय छै अपना सबके हिंदू धर्म में। वही समय से औरंगजेब के पाला के समय से ई महावीर झंडा बेसी गाँव गाँव में बनाबे के प्रचलन भेलै। जहिया मुसलमान के बेसी एहि सब पर हिंदू धर्म पर आक्रमण होइत रहे वही समय से लोग समूह बना बना के हनुमान जी के प्रतीक के रूप में महावीर झंडा बनाबे के प्रचलन चलले। वही बेर से गाँव गाँव में ई सब बनाबे के बेसी प्रचलन में आबि गेलै आ अभी तक चलै छै। एकर कोनो समय न होइ छै कोनो महीना में समूह बना के ई हनुमान जी के झंडा बनाएल जाए छे। एमे पूजा पाठ कयल जाए छे हनुमान जी के आराधना कयल जाए छे। इसे गांव गांव में सुख शांति समृद्धि के वृद्धि होइ छे। मुस्लिम समुदाय से मुहर्रम के समय में दाहा बनल जका हिंदू सब सेहो महावीर झंडा बना कर मेला लगब लागल छल। ओहि समय में महावीर झंडा बनले ओहि समय में उ सब दाहा के पूजा करा लगलखिन गांव गांव में आ ई सब कोई महावीर झंडा के पूजा करे लगले हनुमान जी के पूजा क के हिंदू के समूह के एकजुट बनाबे के लिए। वैदिक काल से झंडा के हनुमान जी के प्रतीकक रूप में लेते एलो पर एकता आ शक्ति के रूप में प्रदर्शन करबा काम मुगल साम्राज्य के समय में शुरू भेल छल। वैदिक काल से छे और वैदिक काल में झंडा के स्वरूप फरक की रहे कि हनुमत ध्वज दान कही के वैदिक काल से आबि रहल छे और नवग्रह के पताका के रूप में वैदिक काल से ही आबि रहल छे। लेकिन झंडा के जो स्वरूप छे एकर रूपांतरण भेल छे ई कहिया भेलै त ई मुगल साम्राज्य के काल में। भारत में जब मुगल सब पैसले राज्य करे लागले तै के बेर में जे ई औरंगजेब अयले औरंगजेब के काल में झंडा के उत्थान भेल छे जेकरा महावीर झंडा कहै छे। एकता आ समाज में सद्भाव कायम करबाक उद्देश्य से हिंदू सब से समूह बना कर आयोजन कयल जाय वाला झंडा मेला अखनो ओतबे महत्व के साथ कयल जात अछि। अपने के लोक साहित्य का इतिहास हिंदी में एक पुस्तक छे ओय में से हो वो औरंगजेब के पाला में ही मुगल साम्राज्य के पाला में ही एकर शुरुआत भेल छे झंडा के शुरुआत भेल छे से वो कहै छथिन। ओय में झड़ी और झंडा दोनों वही समय में शुरुआत भेल छे से हुनकर कहब छे। तै अनुसार झंडा के शुरुआत जैसे से मुगल साम्राज्य काल में हम सब मान सकै छी और एकर धार्मिक सहिष्णुता धार्मिक बढ़ावा हिंदू एकता एकर विशेष कर के महत्व छै। हनुमान जी के प्रतीकक रूप में लेल जाय वाला झंडा मेला के आयोजना के लेल निश्चित तिथि मिथि आ महीना नै तोकल गेल अछि। गाम समाज में लोक सब बीच देखल गेल विभिन्न किस्मक मनमोटा के अंत क एकता के संदेश देव
ई मेला के आयोजना कैल गेल सर्वसाधारणक कथन अछि। हमसब जे छै गाँव में जे छै कुछ पक्ष विपक्ष जे छै से लोकसब जे करैत रहै ई मेला लगेला सँ सबके सब जे छै से एकजुट भऽ कऽ हमसब कोनो काम जे छै से आगारी बढ़ाई है ना, धर्म के हिसाब से जे छै से लगेलिए कि सबके सब जे छै से ओहिमे सहभागी हेतै। मेला के बाद में जे छै से सब आदमी जे छै केकरो अगर कुछ मनमटाव अगर है तो अहू प्रति अहू के धारणा के हिसाब से सब आदमी एक एक मतलब एक जगह भ सके आ गाँव के विकास जे छै से कोन तरीका से आगारी बढ़तै तै सोचाई के लेल हमसब ई मेला लगेने छी। एना क 300 वर्ष पहिने हिंदू सब के एकता करबाक उद्देश्य से शुरू कयल गेल झंडा मेला के अखन आब सब धर्म समुदाय आ जाति बीचक एकता आ सद्भाव कायम करबाक उद्देश्य लेब ई मेला के उपलब्धि के रूप में लेल जा सकैय। अपन टेलीविजनक लेल संजय साहक संग अजय साशिवाली जनकपुर धाम। आब इकोनॉमिक न्यूज। बीतल वर्ष के तुलना में धनुषा में एहि वर्ष दोब्बर धान उत्पादन हो वाला है। धनुषा में एहि वर्ष 2,25,398 मेट्रिक टन धान उत्पादन हेत कार्यालय के अनुमान है। बीतल वर्ष 56,390 हेक्टर में लगाओल गेल धान के उत्पादन 1,45,596 मेट्रिक टन उत्पादन भेल छल। कार्यालय के अनुसार चालू आर्थिक वर्ष में 540 हेक्टर में लगाओल गेल चैत्य धान 1,998 मेट्रिक टन उत्पादन भेल छ। तहिना क 4,300 हेक्टर में लगाओल गेल भदैया धान 16,000 हेक्टर उत्पादन हेत आ 61,000 हेक्टर में लगाओल गेल अग्नि धान 2,07,400 मेट्रिक टन उत्पादन भेल कृषि कार्यालय जनौलक। जिला कृषि कार्यालय के धनुषा के अनुसार कार्यक्रम अधिकृत सुरेन्द्र गोइत एहि वर्ष समय में पानी पड़ला से धान उत्पादन बढ़त बतौलन। गत वर्ष 56,390 हेक्टर मात्र रोपाई होना सको, इस वर्ष हम लोग 65,540 हेक्टर में मतलब क्षेत्रफल बढ़ो नियमित टाइमली पानी पड़े होना उत्पादन में दोब्बर वृद्धि होने होने हमें अनुमान अखि धान एकदम राम्रो कई धान जो नया जात को जो स्वर्ण समूह तेस में फाटफुट तो रोग किरा को प्रकोप देखे अरु अन्यथा अझै समान भए होल चाहिँ जो राम्रै छ। धनुषामा 76,531 हेक्टर खेती योग्य जमिन रहलैछ त 76,000 हेक्टर जमिन में मात्र खेती कैल गेल छ। तहिनाक 3,537 हेक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध अछि त 41,494 हेक्टर में आकाशीय पानी के भर में मात्र धान खेती होइत आयल छ। आप स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल आ जापान के राष्ट्रीय फुटबल टोली बीच 7 दिन भेल मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल विजयी भेल छ।